कैसा लगा दोस्तों आपको हमारा न्यू गोप्रो कैमरा? देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है, मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताइए दोस्तों आपको कैसा लग रहा है? और दोस्तों इसके हम सारे पार्ट्स आपको दिखाते हैं। चलिए इसको अभी साइड में रख दें। देखिए ये इसके साथ दे रखा है इन्होंने। ये सब दोस्तों हमें इसके साथ सामान वगैरह मिला है, और ये हमारे पास कैमरा है। अगर इसका हम कवर उतार देते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखता है। इसके साथ हमें बैटरी मिली है दोस्तों, इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के मोड है। हमने थोड़ी देर इसे चार्जिंग लगाया है और ये अभी ऑन हो रहा है। चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं। देखिए दोस्तों ये सारा मटेरियल मैं अंदर उठा के ले आया हूँ, और इस पर हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। इनके सभी के सभी के सभी सभी एक एक पार्ट हम निकाल निकाल के देखेंगे। जितनी तरीके से ये एडजस्ट हो सकता है सभी तरीके हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं अपना। पहले पहले तो दोस्तों मैं इसे तोड़ ही देता, लेकिन कहते हैं ना एक्सपेरिमेंट करते हैं तो डरना नहीं चाहिए। तो हमने इसे फाइनली खोल ही लिया। तो देखिए दोस्तों ये खोलने के बाद कुछ ऐसे ऐसे निकलता है। आप मेरे की तरह गलती मत करना दोस्तों, मेरी वीडियो देख के आप भी कुछ सीख लेना, और मैं भी यार आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। और यार प्लीज़ 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 दोस्तों आप वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करो यार। कमेंट मेरी मिस्टेक्स का मुझे पता चले, आपके कमेंट से ही मुझे पता चलेगा मैं क्या क्या मिस्टेक करता हूँ और मुझे क्या क्या सुधार की आवश्यकता है अभी। और दोस्तों आपका साथ चाहिए बस हमें ग्रो करने के लिए। तो फैमिली बने रहो वीडियो में मेरे साथ और देखते रहो। तो देखिए दोस्तों मैंने ये सारे पार्ट्स निकाल लिए हैं। अब इनमें हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कैसे क्या कनेक्ट होगा। तो मैं ये फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, आप मेरी वीडियो देख लीजिए। और चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमें एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अब हमें हेलमेट और हमारे चिन माउंट की जरूरत पड़ेगी। तो हम देखते हैं दोस्तों कहाँ है। देखो जी दोस्तों ये रहा हमारा हेलमेट और हमारा चिन माउंट वगैरह जो हमने फिक्स ही रहता है आजकल, क्योंकि यार दोस्तों जब भी मैं इस हेलमेट का यूज़ करता हूँ तो मेनली राइडिंग के लिए ही करता हूँ। तो हम इसका एक बार ये ऊपर से फ़ोन होल्डर हटा देंगे और हम बारी बारी कुछ ना कुछ इस पर लगा के देखेंगे दोस्तों कैसे कैसे क्या क्या एडजस्ट हो सकता है यहाँ पे हेलमेट में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना।
सारी चीज़ बारी बारी फिट करने के बाद दोस्तों मुझे कुछ भी कामयाबी हासिल नहीं मिली, लेकिन फिर भी मैंने जो ये फ़ोन होल्डर के साथ साथ इसको एडजस्ट करना थोड़ा 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 सीख लिया है। फ़ोन होल्डर की जगह हमने कुछ ऐसे ऐसे मटेरियल जो इन हमारे चिन माउंट में एडजस्ट हो सकते हैं, उन सभी सभी पार्ट्स को यहाँ पे बारी बारी कनेक्ट किया और हमें सफलता थोड़ी देर में दोस्तों मिली गई। आखिरकार हमें सफलता मिली गई। तो देखिए दोस्तों, अब हम इसे यहाँ पे कैमरे को फिट कर देंगे और हम इसके नट्स वगैरह लगाकर दिखाते हैं हम आपको कितना सुंदर लगेगा। बड़ी मुश्किल हो इस बात दोस्तों, हमने अपनी मेहनत से पहली बार हमारे गोप्रो को एडजस्ट कर ही लिया। दोस्तों देखिए कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों, हमें कामयाबी मिली गई दोस्तों। और देखिए दोस्तों, मैं आपको साइड लुक से दिखा दूँ कितना अच्छा दिख रहा है। देखिए दोस्तों, चीज़ बची है दोस्तों ये साइकिल पे लगाने के लिए भी है। और जैसे हम साइकिल पे हेलमेट पहनते हैं रेसिंग साइकिल पे, तो फिर उसके ऊपर हेलमेट पे लगाने के लिए भी है। तो अलग अलग सामान के लिए अलग अलग ये मटेरियल्स दे रखे हैं दोस्तों, तो इन सभी को भी ट्राई करते हैं हम थोड़ा थोड़ा इन सब से भी यहीं पर बैठे बैठे जोड़ते हैं इन सबको और देखते हैं दोस्तों क्या बन पाता आगे हमारे से। तो देखिए दोस्तों, बाकी एक्सेसरीज जोड़ के हमने कुछ ऐसा बनाया। देखिए दोस्तों कैसा लग रहा है आप बताइए ज़रा मुझे। जो हमने अब की बार अपना चे माउंट पर अपना मटेरियल ना लगा के जो इसमें हमारे गोप्रो के साथ मटेरियल आया उनको जोड़ के अब की बार हमने ये एडजस्ट किया। फिर अब देखिए दोस्तों ये कैसा लग रहा है दोस्तों बताइए ज़रा। इसको कैमरा को निकालने के बाद हमने ऐसे एडजस्ट करके इसे यहाँ पे लगाया है। दोस्तों हमने सभी तरीकों से गोप्रो को लगाना सीख लिया है और अब मैं आपको डिब्बे पर भी दिखा दूंगा दोस्तों उस पर क्या क्या छपा हुआ है। और देखिए दोस्तों ये सारी एक्सेसरीज हमने यहाँ पे ऐसे ही गिना दी है। और देखिए दोस्तों ये सारा कुछ डिब्बे पे शो कर रखा है, पहले ही साइकिल के लिए हेलमेट पे दोस्तों, दूसरी तरफ ये बता रखा है कैसे कैसे इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे कैसे इनके स्टेप वगैरह है। तो ये सारा दोस्तों बिल्कुल अच्छे से तरीके से बिल्कुल अच्छे तरीके से इन्होंने समझा रखा है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में बस इतना ही।
बी सेफ, राइड सेफ दोस्तों। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। बाय बाय दोस्तों।